सुबह सुबह आ गया भाई। हाँ भाई यार सुबह सुबह आ गए भैया, बाल कटवाने जाना है ना, पता नहीं क्या सिस्टम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग। भैया पहले कूड़ा फेंका हमें एक बार। मम्मी सुबह सुबह 6 बजे भी आती ना हमारी गाड़ी, 6:30 बजे भी। आज मेरी आँख खोली थी तो देखा गाने बज रहे हैं। 6 बजे तो बहुत गलत आती है भाई, इंसान है कूड़ा डाल दो क्यों डाल दे, सुबह 6 बजे का मतलब है भाई। क्या चाहते हो आप, आपकी कटिंग 5,000 की हो, ये चाहते हो और कम से कम 10-15,000 हो, सिक्योरिटी जमा कराना। अच्छा पैसा वो था, तो फिर स्कूटी जमा कराया ना वहाँ पे। तो यार स्कूटी में पता है क्या दिक्कत, बैटरी लो हो गई, एक नई स्कूटी लेने चलते हैं। बैटरी डलवाने का टाइम नहीं है। अच्छा भाई पाव भाजी तोड़ रहे हो क्या है? उधर क्या देख रहा, हमें साले में नींबू तो डाल लेता। ओए हाँ जी भैया, रेडी टू हिट जिम, फटाफट से चल रहे हैं भैया जिम। उससे पहले चलेंगे एक बार प्रिंस के पास, कुछ डिस्कस करने जाना है, फिर चलते हैं जिम। आज मारेंगे शोल्डर्स और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। धन्यवाद। चलो भैया पालक दे लिया, गौ माता को ढूंढ लेते हैं हम आगे। एक तो ये जा रही और आते हुए वैसे हमने देख ली थी, दो और थी उनको ही खिला देंगे क्योंकि यहाँ गाड़ी रोकने में दिक्कत हो जाएगी। ओहो रिजर्व भी लग गया है भैया गाड़ी में, बहुत पेट्रोल पीती है रे गाड़ी। आधी थोड़ी सी और किसी को दे देंगे। चलो भैया काम इस दोनों चल रहे हैं फटाफट से जिम। हाँ जी वर्कआउट इज डन, फटाफट से चल रहे हैं घर एंड हमने कुछ प्लान करा है, अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो आपको घर चल के बताते हैं सारी चीजें। हाँ जी भैया ये देखो सारा बैग वैग तैयार, साइकिल का हेलमेट एक एक बैग तैयार, भाई साहब बहुत सारा बैग तैयार हो गया। और मातीज माय मातीज टेंस्ड क्योंकि भाई हमने प्लान करा है गौरव तनेजा जी के साथ जुड़ने का देश का धोनी वाली राइड के अंदर। अभी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं पता, बहुत रैंडम प्लान है, कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, हमसे कैसे मिलेंगे हम उनसे कैसे मिलेंगे। बस इतना पता है कि आज रात को वो जयपुर पहुंच जाएंगे, अभी 10 बज रहे हैं, मैं अभी घर पे ही हूँ, बस यहाँ से निकल रहा हूँ मैं जयपुर के लिए। एंड लेट्स सी कल जब मीटअप होगा तो उनसे बात करेंगे, अभी बीच में हमें रुपिंदर के घर भी जाना है अपने फ्रेंड के, उससे साइकिल लेंगे, साइकिल रखेंगे गाड़ी के अंदर, तब सीधा वहाँ पहुँचेंगे अब हम जयपुर। और कल मिल के तनेजा साहब से, फ्लाइंग बी सर से पता चलेगा कि अगर वो हमें अलाउ कर देते हैं उनके साथ जाने के लिए, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बजट देखना पड़ेगा कैसे है कैसे नहीं है, कितने दिन का टूर रहेगा, कहाँ पे रहना होगा कैसे होगा। मीनवाइल मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर अपने सारे बैकपैक तैयार कर लिया है, मेरे को पता है अगर जाना भी होगा तो कम से कम 20-25 दिन का रहेगा। अभी फ़िलहाल मेरे साथ देव जा रहा है, देव और मैं यहाँ से निकल रहे हैं जयपुर के लिए। अभी गाड़ी हम गाड़ी से मैं जा रहा हूँ जयपुर, उसके अंदर ही गाड़ी होगी और साइकिल होगी, साइकिल होगी, तो बस देखते हैं बाकी बातें यार रास्ते में करेंगे। आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव, फिंगर क्रॉस्ड, आई जस्ट होप सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों। जय बजरंग बली महाराज, जय महादेव, हमें पूरा पूरा मौका मिल जाए बस गौरव तनेजा जी के साथ राइड करने का, व्लॉग करने का। लेट्स सी अगर पॉसिबल हुआ वेल एंड गुड, वरना कल अपना मीटअप से ही वापस आ जाएंगे, उन्होंने मना करा तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी भैया रीज दिल्ली कैंट, भाई सब को फ़ोन कर दिया आ रहे हैं बाहर, एंड
सक्सेसफुली हमने गौरव तनेजा सर की लोकेशन भी ट्रैक कर लिया है। अब ट्रैक हमने कैसे करी है स्टोरीज वगैरह देख के, अब वो प्रोसेस हम कल बताएंगे आपको कल के व्लॉग में जब उनसे मिल लेंगे। सो दैट अभी मैं क्योंकि व्लॉग भी ये वाला कल लाइव होगा वैसे तो कोई उसके अंदर इशू वाली बात नहीं है, बट स्टिल यार देखो सबकी सेफ्टी कंसर्न होते हैं। मैंने पता नहीं किस तरीके से वो क्रैक करा हो गया एंड आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी वही होगा, कल जाके पता मतलब जहाँ जिस लोकेशन पे वो है वहाँ पहुँच के पता चलेगा। बाकी बस एक बार फटाफट से आ जाए रुपिंदर, साइकिल वाइकिल रखते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं 25:30। भाई जी हमारी साइकिल आ गई है, देखो सिस्टम कुछ ऐसा हो चुका है, साइकिल आ चुकी है, हमारा हेलमेट ये रहा और बस अब हमने सारा सामान वामान ले लिया, एसेसरीज ले ली, बस इसका टायर निकालते हैं फटाफट से रखते हैं गाड़ी के अंदर एंड चलते हैं अपनी लोकेशन के अंदर। सेम होटल बुक करना पड़ेगा अगर उनसे मिलना है तो, सारी चीज़ डिस्कस करनी है और कोई चारा नहीं है, दो एक्सपेंसिव आ रहा है बट कांट हेल्प इट, करना ही पड़ेगा। बट फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, कुछ मिडवे से या फिर ड्राइव थ्रू से कुछ खाना वाना ले लेंगे एंड फिर आपको हम पहुँच के मिलते हैं। हाँ जी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 11:55 हो रहे हैं एग्जैक्ट एंड वी हैव रीच्ड बसंत ढाबा, यहाँ से जो लोकेशन है। खैर ये व्लॉग तो मैंने बाद में रियलाइज करा, ये व्लॉग तो बाद में डलेगा, ओए मेरा वॉलेट ले ले ले, मेरा व्लॉग तो डलेगा कल 10 बजे, मैं 10 बजे का स्केड्यूल करूँगा तो उससे पहले तो हम सर से मिल ही लेंगे आई गेस, तो ठीक है और वो भी उस टाइम तक वहाँ से निकल जाएंगे फॉर श्योर। मेरे को इस चीज़ का पूरा आइडिया है क्योंकि उन्हें पूरा सुबह ज़्यादा ट्रैवल करना है। तो हाँ जी तो हम बता रहे थे आपको सर गौरव तनेजा जी रुके हुए हैं रमाडा बाय विंडहम मीमराना में, बस वहीं हमने भी स्टे वहीं ले लिया अपना, अब सुबह सुबह सीधा उनसे वहीं टकराएंगे। बाकी यही मैं और देव आ गए हैं बसंत ढाबा, यहाँ पे करते हैं फटाफट से डिनर और डिनर करके यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है निकलते हैं खाना वाना खा के। हाँ जी गाइज है डिनर, बस फटाफट से निकल रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, आधा घंटा हमारा यहीं निकल गया, बस फटाफट से वहाँ चल गया। मेरे को ये वाला भी व्लॉग एडिट करना है एंड सारी प्लानिंग क्लूनिंग करनी है, सुबह देखते हैं कैसा रहेगा सब कुछ। बस फटाफट से अब आपसे सीधा डायरेक्ट हम होटल पहुँच के मिलेंगे। हाँ जी गाइज रीच्ड आर होटल, आर्नी गौरव तनेजा जी के होटल, सेम होटल पहुँच चुके हैं हम रमाडा बाय विंडहम इन, कहाँ पर है कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, अलवर नीमराना। बस भैया अपना फटाफट से मैं तो रहा हूँ सोने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि कल का सिनेरियो में कुछ नहीं पता को कल कैसे क्या क्या करना है, बस फटाफट से सारी चीज़ें रखते हैं बंद करते हैं चार्जिंग पे लगाते हैं सामान और मैं तो जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट टाटा, आई होप गाइज कल हम तनेजा जी से मिल लें अपने आइडल से, मैं सही में बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, साथ क्या करेंगे कल मिल लें हम, बाकी देखते हैं कैसा क्या रहता है। सो सी यू गाइज टुमारो एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एक्सप्लोर विद रुजा गाइज एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, टाटा।